नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राजदीप, मैं बैंगलोर में चर्मा स्किन हेयर एंड नेल क्लिनिक में जेपी नगर में काम करता हूँ। टी ट्री ऑयल एक ऑस्ट्रेलिया के पेपर बैग पेड़ से बनता है जो लगभग 100 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले वर्ल्ड वॉर वन से पहले ये एक अच्छा एंटीबायोटिक और एंटी फंगल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब पेनिसिलिन का एरा हुआ और जब एंटीबायोटिक का एरा शुरू हुआ तो इसका उपयोग कम हो गया था। फिर से 1990s में नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, लोग एंटीबायोटिक्स और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस से दूर रहना चाहते थे, तो टी ट्री ऑयल में फिर से वापस इंटरेस्ट आ गया था। उसी 20 या 30 साल में काफ़ी सारे साइंटिफिक स्टडीज़ किए गए टी ट्री ऑयल के बारे में, और काफ़ी सारे स्टडीज़ से प्रूव किया गया था कि टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटी पैरासाइटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो सूजन होता है आपको उसको भी कम करने का इफ़ेक्ट रहता है टी ट्री ऑयल में। तो आजकल टी ट्री ऑयल काफ़ी सारे फेस वॉश में, पिंपल के प्रोडक्ट में, डैंड्रफ के प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स रहता है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है और आपको इससे त्वचा पे लगाने या बाल पे लगाने से कुछ हानिकारक इफ़ेक्ट नहीं होता है। कई लोगों को इसमें से एलर्जी हो सकता है, जैसे कोई और प्रोडक्ट से एलर्जी होता है तो उनको ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, और कई लोगों से ये यूज़ करने के बावजूद पिंपल्स आते हैं, डैंड्रफ आते हैं, तब उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद है तो कृपया डॉक्टर सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।